खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सरदारपुर के दसई में रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दसई में रक्त मित्र मंडल इंडिया फाउंडेशन टीम दसई द्वारा नगर में तीसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार डॉक्टर संजय भंडारी, पत्रकार संघ अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री, डॉक्टर आर एल पाटीदार सरदारपुर, एसडीओपी ऐश्वर्य शास्त्री दसई चौकी प्रभारी, प्रशांत पाल मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा व ग्रामीण जन उपस्थित थे। आयोजित शिविर में महिलाओं द्वारा युवा लड़के लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही शिविर में 111 रक्तदान कर महादान का लाभ लिया। रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन दसई के द्वारा ये एक बहुत ही पुनीत और पुण्य आयोजन किया गया है। इसमें सिकल सेल और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे और अन्य जन हैं, उनके लिए ब्लड डोनेशन का जो कैंप किया है, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी और अनुसरण करने वाला है। आज जिला ब्लड डोनेशन की जो पूरी टीम है डिस्ट्रिक्ट की, उनके और रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन यहाँ के युवाओं के द्वारा जो कार्य किया गया वो बहुत ही साधुवाद के पात्र है। मेरा बाकी सब लोगों से भी यही कहना है कि इस पूरे कार्य में जुड़े, क्योंकि वो जो गोल्डन आवर्स रहते हैं या जो दिन प्रतिदिन थैलेसीमिया सिटीजन के परिवार के लिए रहता है, उसकी इससे अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती। बाकी नशे और अन्य दूसरी आदतों और दूसरे अन्य फिर सृजनात्मक कार्यों को छोड़ के इस कार्य में लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये रक्तदान जो शिविर लगा है, इसमें मैं अपील करता हूँ कि जो रक्तदान है ये महादान है। जिस बालकों को या जिस व्यक्तियों को जरूरत पड़ती है ब्लड की, उनको समय पर नहीं मिल पाता है, रक्तदान करने की वजह से उनको समय मिल जाता है। और इसमें सभी को जागरूक होना चाहिए और किसी के मन में अभी भी संदेह है, डर है, मन में ऐसा होना ना चाहिए, क्योंकि रक्तदान ही महादान होता है। आज हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी खुशी हुई। क्या तो बना दीजिए तक आगे बार फर्स्ट मेरा। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।